प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग चलते हैं पिछले दिनों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक शीर्षक के क्वेश्चन आंसर के विषय में हम लोगों ने बात किया था पिछले क्लास पर, पिछले टर्न पे। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ने का मतलब ये है कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जो भारतेंदु जी द्वारा लिखित है, उसके अभ्यास प्रश्न पर आगे की बात करना है। और मुझे विश्वास है कि इसके पहले के जो क्वेश्चन आंसर के विषय में बात की गई है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी विश्वास के साथ जो है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारा बेटा ये आ गया पैसेज, जिस पैसेज को आधार बना करके हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो ये है हमारा पैसेज। ये हमारा पैसेज है, पहला पैसेज। चलते हैं, यहाँ पे हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं और देखिए इसका रेखांकित अंश जो है कि ये पहली स्लाइड जो है ये इसका रेखांकित अंश का है। क्या है ये रेखांकित अंश? यहां से शुरू होता है। ये कंप्यूटर महोदय लाइन नहीं खींचे हैं जिसके हम लोगों को व्याख्या करनी है। पहले स्लाइड में क्या है ये रेखांकित अंश है पूरा, ठीक है। और रेखांकित अंश का मतलब क्या है? जब कोई भी लाइन रेखांकित होती है तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि उसकी व्याख्या लिखना है। जब भी रेखांकित अंश आता है तो उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं और क्वेश्चन आंसर में से जो रेखांकित होता है उसकी व्याख्या लिखनी होती है। और आप लोग जैसे पढ़ते आए हैं तो आपने देखा है कि जब भी सबसे पहले पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, रेखांकित अंश का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है वो है। तो कह रहे हैं ये सब तो समाज धर्म है, ये सब तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, लिखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो सामाजिक एवं सामूहिक, जो सामाजिक एवं सामूहिक धर्म है, सामाजिक एवं सामूहिक धर्म है, वह देश काल और परिस्थितियों के, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदले जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, परिवर्तित किए जा सकते हैं, शुद्ध किए जा सकते हैं, शुद्ध किए जा सकते हैं, समाज की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार, समाज की
वर्तमान आवश्यकता के अनुसार जिनमें बदलाव किया जा सकता है। हमने अपने पूर्वजों के अपने अपने पूर्वजों की बातों को अपने पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान को न समझकर मनीषियों की बातें न सुनकर मानकर समझकर उनके बताए गए मार्गों सिद्धांतों और आदर्शों से हटकर नई विचारधाराएं प्रकट हो रही हैं। यदि हम उनके ज्ञान विज्ञान को समझते, दर्शन को समझते, धर्मशास्त्र को समझते तो उनके दार्शनिक दृष्टिकोणों से निश्चित रूप से परिचित हो जाते। ठीक है, हम अपने पूर्वजों के बनाए गए सिद्धांतों की मात्र निंदा में लगे हुए हैं उसे समझने जानने में नहीं बेटा फटाफट तो हम बोल लेंगे लेकिन फटफटा जाएगा सब ना। सबको लिखने दो, मैं अपने हिसाब से सबको साथ लेकर के चलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कुछ लोग बड़ा फट करते हैं, तो फटफटाने से काम नहीं होगा ना। क्या करना होगा, आराम से पढ़ना और जानना सीखिए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा ना। इसलिए आपको धीरे धीरे आराम से सारी चीजें बताई जा रही और सबका जिसमें फायदा हो वह कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दबाजी बहुत अच्छी नहीं होती। चलिए, अब ये हो गया, वहां तक की व्याख्या हो ही गई। अब उसके बाद आगे आते हैं प्रश्न में। सबसे पहले उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सब लोग जानते हैं भाई कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो कि पिछले टर्न पे हम बोल चुके हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य
खंड के, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। जिसके लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब देखिए प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि हमने क्या कर दिया है भाई, आपको बता दिया है। अब यहां कह रहे हैं कि सामाजिक धर्म किसे कहते हैं, सामाजिक धर्म किसे कहते हैं। सामाजिक धर्म वो होता है बेटा, सामाजिक धर्म किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन है कि जो देश काल के अनुसार सोधे बदले जा सकते हैं, उन्हें सामाजिक धर्म कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। माने सामाजिक धर्म वो होता है बेटा, सामाजिक धर्म का मतलब समाज का धर्म, समूह का धर्म, और समूह के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जो हम क्या करते हैं भाई, अपने जीवन में, जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं, वही सामाजिक धर्म कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे हैं कि लेखक किस बात को ग्रहण करने को कहता है, क्या कहते हैं लेखक? कहते हैं कि जो देश काल, एवं परिस्थिति के अनुसार अनुकूल हो, उन्हें ग्रहण करने को कहते हैं। ठीक है भाई, यह है क्वेश्चन का आंसर। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो तो बताएं, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कि लेखक किस प्रस्तुत पंक्तियों में किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में जहाज का सफर ऐसे लिख देते हैं, जहाज का सफर, विधवा विवाह,
आदि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है। ठीक है भाई, किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। पहले पैसेज का, जो पैसेज आज के लिए था, पहले पैसेज के सारे क्वेश्चन के विषय में हम लोगों ने बात कर लिया है। पहले पैसेज के सभी क्वेश्चन के विषय में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब आगे का जो क्वेश्चन आंसर है, आगे का जो गद्यांश है, अगर ये क्लियर हो, आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, तो हम लोग अगले पैसेज, अगले गद्यांश के विषय में बात करें। और अगर कहीं पे कुछ पूछना है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग बताइए कि किस क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम है, किस क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम है, ये आपको बताना है, फिर उस क्वेश्चन के विषय में हम बात करेंगे। ठीक है भाई, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है बेटा, जल्दी से आप लोग बताइए, तभी फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शिवम गुप्ता, आप कहाँ के रहने वाले हैं? शिवम गुप्ता, आप कहाँ के रहने वाले हैं, जल्दी से बताइए। चलें आगे बेटा। आगे बढ़ते हैं और अगला गद्यांश हमारा आता है, और ये गद्यांश में रेखांकित अंश जो है, भरोसा मत रखो तक है, भरोसा मत रखो, यहां से लेकर के पूरा रेखांकित है इसमें। ठीक है, यहां तक रेखांकित अंश है, ठीक है ना। चलिए, किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब ये आ गया है आपका, और यहां पे हम चलते हैं भाई, ये रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करते हैं, क्योंकि व्याख्या तो लिखना ही है, व्याख्या की बात करते हैं, लिखते हैं व्याख्या। ठीक चलिए, चलो बेटा हम लोग पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अफसोस व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अफसोस व्यक्त करते हुए कहते हैं कि दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि कितने कष्ट की बात है कि हम सब भारतवासी
हम सब भारतवासी अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते, यह बड़े ही दुख और वेदना की बात है मेरे मेरे प्यारे भारतीयों। यदि इस समय भी हम सब भारतीय सचेत, सतर्क और कर्मशील नहीं हुए, तो हमारा देश उन्नति, प्रगति और विकास की गति में पिछड़ जाएगा। अर्थात कहने का आशय है कि हम लोगों को वैसे ही खेल खेलने होंगे, बातचीत करनी होगी, किताबें पढ़नी होंगी, आदि आदि प्रत्येक क्रिया ऐसी करनी होगी, जिससे भारत की उन्नति हो, देश की उन्नति हो। दूसरे देश भाषा और व्यक्ति पर ऐसा विश्वास न रखो कि वह तुम्हारी उन्नति में, तुम्हारे विकास में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे, अपनी उन्नति स्वयं करो, किसी पर भरोसा नहीं। भाई अब तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो ये पैसेज की रेखांकित अंश की व्याख्या है, यहाँ पे तो मैंने बोल के आपको बता दिया और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, इसलिए क्या करना है, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है या कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है जो मैंने बोला है, तो आप लोग भाई उसको पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर कहीं पे किसी को कुछ भी, कोई भी शब्द
अटपटा लगता है या गड़बड़ लगता है या मीनिंग पूछना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं इस समय। ठीक है, तो तुरंत आप जो है लिख दीजिए जिसका उत्तर मैं बता दूं, या तो फिर आप लोग लिख दीजिए कि सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है तो फिर हम चलते हैं। ठीक है ना, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप बचाइए, सब लोग ओके करिए तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, चलें भाई आगे बढ़ाते हैं हम फिर। ये लीजिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया है। अब आप लोग फिर, हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, ओके हैं, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कष्ट, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, आप कहते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, तो उपर्युक्त गद्यांश के सबसे पहले क्या लिखना है, पाठ लिखना है, और फिर लिखना है लेखक का नाम लिखना है ना। तो पाठ का नाम भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, लिख देंगे भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये है बेटा। हाँ, यहां करना चाहिए। और लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लेखक हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद अगला है, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसको हमने पहले ही आपको लिखा दिया, हाँ, जिसके रेखांकित, हाँ, अच्छा, चलते हैं, पहले इसको कर लेते हैं फिर देखते हैं। फिर है, लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है, लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है, जल्दी बताइए। लेखक ने, देखिए, लेखक ने अपने आवश्यकता की चीजों के निर्माण ना कर पाने पर अफसोस प्रकट किया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, लेखक ने अपने देशवासियों
प्रश्न है कि लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नति पर बल दिया है। लेखक ने क्या कहा है भाई, लेखक ने अपने या देशवासियों को भारतीयों एवं भारतीय भाषा हिंदी के उत्थान पर बल दिया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसा सुंदर जो है, ऐसी कोशिश करना है कि अपनी भाषा का, अपने देश का क्या करना है भाई, उन्नति में भरपूर सहयोग करना है, अपनी देश की उन्नति में, समाज की उन्नति में, राष्ट्र की उन्नति में जो कुछ करना चाहिए, चाहे अच्छा देश की उन्नति के लिए, उन्नति के मार्ग के लिए सबसे सहायक क्या है, भाषा है। अगर भाषा की उन्नति हो गई तो देश की उन्नति स्वयमेव हो जाएगी। इसलिए क्या कहा है इन्होंने कि परदेशी वस्तु माने दूसरे देश की वस्तु और परदेशी भाषा पर भरोसा मत रखो। परदेशी वस्तु, परदेशी भाषा पर भरोसा मत रखो। इसका कहने का मतलब ये है कि अपने देश पर, अपने देश की वस्तुओं पर, अपने देश की भाषा पर पूर्ण भरोसा रख करके हम देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही है, जल्दी से बताएं भाई। समझ में आ रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जहां पे दिक्कत हो वहां पे बता दिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा है, इसका किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे भाई, आप लोग बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अगर जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, और कारण ये है इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न बोलने के पहले ही मैंने बोला है, प्रश्न बोलने के पहले मैंने पहले इसका उत्तर बोला था फिर प्रश्न बोला है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका उत्तर आपको देना है। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, कौन बताएगा,
जो बताएगा उसका नाम यहां से मैं आज बुला दूंगा ना। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी करिए। क्वेश्चन तो बेटा ये है, क्वेश्चन तो सामने है, देखिए मैं किनारे हो गया। जल्दी से बताइए कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा ना करने को कहा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ दिख रहा है क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, देखता हूं कौन बताएगा। यही लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है। और जिसका उत्तर क्वेश्चन पूछने के पहले मैंने खुद ही बोला है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन के पहले मैंने बोला है, केवल बातें करने से काम नहीं बनेगा, ठीक है? अरे यार तुम लोग बस केवल वही है, क्यों म्यों करोगे, सही चीज नहीं बताओगे ना। पद कहाँ है इसमें, पद कहाँ दिखा देंगे? देखिए इन्होंने कहा है भाई, लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने परदेशी वस्तु एवं परदेशी भाषा पर भरोसा ना करने को कहा है, ये है क्वेश्चन, ठीक है? इतने देर से पूछ रहे थे, कोई नहीं बोल रहा है, पहले कह रहे हैं कि सर साइड हो जाए। अब साइड हो गए तो कह रहे हैं सर पद कौन सा है, मतलब प्रश्न का उत्तर आप लोग प्रश्न में ही दे देते हैं, इतने समझदार हैं। आपसे प्रश्न पूछा तो क्या कर दिया, आपने एक प्रश्न खुद ही पूछ लिया, कौन बताएगा। चलिए भाई आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से ना, इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जो प्रॉब्लम हो उसको बताइए, ठीक है ना भाई? ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए आप सबको धन्यवाद। ओके थैंक यू, बाय बाय, टाटा। बोल दीजिए है ना।